आज का दिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों में हंगामेदार रहा। जय संविधान। इसकी हमने रक्षा की है, देश ने मिलकर संविधान की रक्षा की है। और संविधान ने मुझे सिखाया है हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता। तो राहुल गांधी ने अपने विपक्ष के नेता के बतौर जब पहला भाषण देना शुरू किया, कहां कहां तक इन लोगों ने डर फैला दिया। मैं आपको अयोध्या से शुरू करता हूं। सर नमस्कार। अयोध्या ने आपको मैसेज भेजा। तो उन्होंने हिंसा के इस पूरे भाजपा के नैरेटिव पर क्वेश्चन, और बीजेपी 24 घंटा नफरत हिंसा, नफरत हिंसा, नफरत हिंसा। सत्ता पक्ष के खेमे की तरफ से चार लोग जो अगली कतार में बैठे, उन सब के चेहरे के भाव बता रहे थे कि लोकतंत्र ने उनके दिन बदल दिए। विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको, नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता। और भारतीय संस्कृति में माइनॉरिटी सिख मुस्लिम उन पर जो दमन और अत्याचार है, वंचित शोषित तबके पर जो अत्याचार, उसका खाका खींच करके रख रहे थे। दमदार विपक्ष क्या होता है, आज उसकी वानगी राहुल गांधी ने पेश की। माइनॉरिटीज के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ, हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता। तो एक राहुल गांधी का जवाब देने के लिए कई कई कैबिनेट मंत्री बारी बारी खड़े होते गए। गृह मंत्री अमित शाह तो ऐसा लग रहा था कि आज आपा खो देंगे। वो बार बार शिव की एक फोटो लेकर के अभय मुद्रा की बात कर रहे थे। ओके। और कितना दिलचस्प वाक्या, एक नए राहुल गांधी, एक नया नेता प्रतिपक्ष कैसा है, आप इस वाक्य से समझिए। छोटी सी क्लिप आई। सर देखिए, मेरा वो हटा दिया आपने। सर वो देखिए सर, हटा दिया कैमरा से, हटा दिया सर। देखिए देखिए, वापस आ गया सर। हटाओ सदस्य, ये देखो। ऑल आवर रिलीजियंस टॉक अबाउट करेज, सो हियर इज द रिलीजन ऑफ इस्लाम। और अभय मुद्रा करके कहते रहे कि और इस देश में नफरत और हिंसा नहीं चल सकती, और जो लोग अपने को हिंसक कहते हैं, आप जो सामने दिखा करके बीजेपी की तरफ इशारा करके, जो लोग अपने को हिंदू बार बार कहते हैं वो दिन रात हिंसा करते हैं। मतलब इस्लाम में भी कहा गया है कि डरना नहीं है। गुरु नानक जी की ओर चलते हैं। सर गुरु नानक जी के चित्र में भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। गुरु नानक जी भी कहते हैं कि डरो मत, डराओ मत। जीसस क्राइस्ट की इमेज देखिए, उसमें भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। जीसस क्राइस्ट की इमेज में भी अभय मुद्रा, उसके बाद बुद्ध भगवान अभय मुद्रा। डरो मत, डराओ मत, अहिंसा। प्रधानमंत्री ने बोला है कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान के साथ। मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है पब्लिक में, मीडिया को कहा है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ है। मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है। प्रमुख मुद्दा आया,
अग्निवीर जैसी योजना की आलोचना। अग्निवीर शहीद हुआ, मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। आज का दिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों में हंगामेदार रहा, शानदार रहा और बदला हुआ रहा। और इस दिन में सबसे महत्वपूर्ण बात सदन के भीतर की राजनीति जिस तरीके से बदल गई है, सदन के भीतर का समीकरण जिस कदर बदल सा गया है, इसका असर आज देखने को मिला। आज सीधे सीधे ऐसे दृश्य देखने को मिले जिसकी आदत न तो बीजेपी को रही, न तो पिछले 10 साल में देश के आम नागरिकों को ऐसे दृश्य सदन के भीतर। और ऐसा दृश्य आज दिखा जब विपक्ष का तेवर देखा। आज का दिन विपक्ष के लोगों का रहा और खासकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का रहा। और आज पहली बार सत्ता पक्ष के खेमे की तरफ से 4 लोग जो अगली कतार में बैठे हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चौथे कद्दावर नेता बीजेपी के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, उन सब के चेहरे के भाव बता रहे थे कि लोकतंत्र ने उनके दिन बदल दिए हैं। और कई बार तो ऐसा हुआ कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े होकर हस्तक्षेप करने पर मजबूर हो गए। तो आज के दिन पूरे क्या हुआ, राहुल गांधी ने ऐसा क्या बोला, सदन के भीतर ऐसा क्या हुआ जिसने बीजेपी की नींद हराम कर दी है, एक बानगी देखते चलिए, एक इशारा समझते चलिए। तो आज का दिन लोकसभा में पिछले 2 कार्यकाल में नेता प्रतिपक्ष का औपचारिक पद किसी के पास नहीं था और इस बार समीकरण बदला, खेल बदला और नेता प्रतिपक्ष का पद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के पास है। और राहुल गांधी आज लोकसभा में अपनी पहली स्पीच दे रहे थे, पहला भाषण दे रहे थे बतौर लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष, और तेवर देख रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या के सामने खड़े होकर शुरुआत की उन्होंने। शुरुआत में सबसे प्रमुख मुद्दे कौन से आए, प्रमुख मुद्दा आया पेपर लीक, नीट, प्रमुख मुद्दा आया किसानों का कर्जा, प्रमुख मुद्दा आया अग्निवीर जैसी योजना की आलोचना। और जब जब प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, पूरा कैबिनेट उनके सामने जब खड़े होकर के प्रधानमंत्री के सामने राहुल गांधी ने एक एक सवाल पूछना शुरू किया, समीकरण बदलते हुए देखे कि चेहरे बता रहे थे कि हालात बदल गए हैं। आलम यह था कि राहुल गांधी जब अग्निवीर की आलोचना करने के लिए खड़े हो रहे हैं कि सेना सैनिक सैनिक में भेद कर दिया है और अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं मिलता, पुरानी पेंशन नहीं मिलती, अग्निवीर को कम ट्रेनिंग दे करके उनको सीमा पर भेज दिया जाता है, ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए तुरंत तुरंत कैबिनेट मंत्री खड़े हो रहे थे। और खुद राजनाथ सिंह खड़े होकर कहने लगे 1 करोड़ रुपया मिलता है शहीद होने पर, अगर वो युद्ध में शहीद हुआ तो आप क्रॉस चेक करिए और माफी मांगिए। और जबकि राहुल गांधी एक बड़े कलेवर में पूरे अग्निवीर समस्या को उठा रहे थे। जब पेपर लीक पर राहुल गांधी बोल रहे थे तो पेपर लीक पर भी उनकी आपत्ति हो रही थी, उनको दिक्कत हो रही थी, किसानों का कर्जा माफ और उनको MSP देने की बात हुई तो खुद शिवराज सिंह चौहान खड़े हो गए।
और जब बात आई कि हिंदू कौन, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, ये राहुल गांधी का अपना पेट स्लोगन है, तो राहुल गांधी ने अपने विपक्ष के नेता के बतौर जब पहला भाषण देना शुरू किया तो उन्होंने हिंसा के इस पूरे भाजपा के नैरेटिव पर क्वेश्चन किया। और क्वेश्चन करते हुए जब उन्होंने कहा कि शिव की तस्वीर ले गए थे आज की, मतलब एक कमाल का नया नैरेटिव, कांग्रेस ने इसमें भी गिर लिया, वो कई पोस्टर नहीं दिखा सकते। उन्होंने कहा कि देखिए हम शिव की तस्वीर लेके खड़े हैं, और जैसे वो शिव की तस्वीर लेके हाथ में खड़े होते कैमरा घूम जाता। और कितना दिलचस्प वाक्य, एक नए राहुल गांधी, एक नया नेता प्रतिपक्ष कैसा है आप इस वाक्य से समझिए। छोटी सी क्लिप आई और उस क्लिप में दिखा कि राहुल गांधी बोल ही रहे तब तक कैमरा लोकसभा अध्यक्ष की तरफ चला गया। तो राहुल गांधी ने कहा देखिए देखिए मैं बोल रहा हूं और कैमरा मेरी तरफ नहीं, कैमरा आपको दिखा रहा है। और फिर उसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि अब देखिएगा मेरी तरफ आया, जादू दिखाऊं फिर हटाऊं, और जैसे उन्होंने तस्वीर ली वापस कैमरा लोकसभा अध्यक्ष की तरफ चला गया। इस विट, इस जोनर और इस ह्यूमर के साथ राहुल गांधी खेल रहे थे आज। आज राहुल गांधी का दिन था। माइक बंद कर देते हैं, तिलमिलाए से ओम बिरला खड़े हुए, और ओम बिरला जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, बड़े पद पर हैं, सम्मानित हैं, बार बार नियमों की गवाही देते रहे, मान बार विपक्ष के रोकने के लिए, राहुल गांधी को रोकने के लिए सत्ता पक्ष के दर्जनों मंत्री खड़े होते गए, दर्जनों लोग हल्ला मचाते गए, वो उनकी तरफ कम मुखातिब दिखे। और राहुल गांधी ने मौका देख देख के कहा कि मैं जानना चाहता हूं ये माइक किसके पास में है, माइक का कंट्रोल किसके पास में है। फिर तमतमाए ओम बिरला, जैसे कि आजकल तमतमाने का सबसे बड़ा जिम्मा, एक जिम्मेदारी वाला बोझ ले लिया ओम बिरला ने, तमतमाए, और उसके बाद फिर कहे कि ऐसा कोई माइक हमारे पास नहीं होता, सब कुछ है ये। फिर राहुल गांधी ने कहा कि लेकिन इसका स्विच होता किसके पास है, देखिए ना बंद हो जाता है। ये जोन था। और उस जोन से आगे बढ़ते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मुझे याद है वो दिन, स्पीकर साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब आप मिले तो थोड़ा झुक गए, और नेता प्रतिपक्ष से जब आप मिले तो तन करके खड़े होकर के मिले। राहुल गांधी आज यहां खेल रहे थे। लोगों ने कहा झूठ बोला जा रहा है, और ट्विटर रंग गया, फेसबुक रंग गया उस क्लिप से रंग गया जिसमें साफ दिख रहा है कि जब प्रधानमंत्री हाथ मिला रहे हैं तो स्पीकर ओम बिरला झुक गए, और जब राहुल गांधी हाथ मिला रहे हैं तो तन करके दोनों खड़े हैं। छोटी छोटी चीज पर कैसे राहुल गांधी ने घेरा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप क्यों बायस्ड हैं, आप डरिए मत, आप भी मत डरिए। और जैसे ही उन्होंने हिंदू धर्म के भीतर जो एक सबसे बड़ी भूमिका अहिंसा की है, वो बार बार शिव की एक फोटो लेकर के अभय मुद्रा की बात कर रहे थे, और अभय मुद्रा करके कहते रहे कि और इस देश में नफरत और हिंसा नहीं चल सकती, और जो लोग अपने को हिंसक कहते हैं, अपने जो सामने दिखा करके बीजेपी की तरफ इशारा करके, जो लोग अपने को हिंदू बार बार कहते हैं वो दिन रात हिंसा करते हैं। फिर क्या था, पूरा सत्ता पक्ष आग बबूला, खुद प्रधानमंत्री खड़े हो गए, पूरे समाज को हिंदू बोला जा रहा है, हिंदू हिंसक होता है ये, और फिर एक लाइन करके बैठ गए। ये 10 साल में पहली बार हुआ है, 10 साल में पहली बार हुआ है कि नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं और उनको बीच में रोकने के लिए प्रधानमंत्री खड़े हो गए। ये बदलाव आया है सदन के भीतर साहब। और अगली बार तो जब बात हुई ना, तो जैसे ही प्रधानमंत्री खड़े हुए उन्होंने कहा भारत के लोकतंत्र और भारत के संविधान ने मुझे सिखाया है, तब तक पीछे से शोर आ गया, वाह यही तो हम चाहते थे साहब, कि संविधान बड़ा है और लोकतंत्र बड़ा है वो सिखाता है, संविधान जिंदाबाद के नारे लगने लगे। ये है अंदर का माहौल। तो एक राहुल गांधी का जवाब देने के लिए कई कई कैबिनेट मंत्री बारी बारी खड़े होते गए। गृह मंत्री अमित शाह तो ऐसा लग रहा था कि आज आपा खो देंगे, जाने कितनी बार नियमों का हवाला देते रहे। शिव की तस्वीर दिखाने पर किस तरह से बीजेपी वाले बौखला गए और कहते रहे कि इस तरह से आस्था का एक तरफ से नहीं हो सकता सदन में प्रवाह। तो सत्ता पक्ष की तरफ से जब ये बात कही गई तो विपक्ष ने भी सवाल पूछा कि इसी सदन में धार्मिक स्लोगन शपथ ग्रहण के बाद लगते रहे। आपको वो वाक्य याद है जब धर्मेंद्र यादव ने अनुप्रिया पटेल की इस आपत्ति पर सवाल उठाया,
जब जय भीम, जय मंडल, जय संविधान के नारे लग रहे थे शपथ ग्रहण के बाद, तो अनुप्रिया पटेल ने कहा यह कौन सी रवायत शुरू हो रही है। तो धर्मेंद्र यादव ने कहा कि जब सत्ता पक्ष वाले करते हैं तब तुम कहां थे, तब तुम्हें क्यों नहीं नजर आया। ठीक वही अमित शाह को आज और स्पीकर को आज ये दिख रहा था कि धर्म और आस्था का सदन में एक माहौल बन रहा है, और वही बीजेपी जय श्री राम के नारे लगा लगा के जो हुटिंग करती थी, सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष के लोगों को इतना डिमोरलाइज करते थे कि वो बात न रख सके, आज वही बीजेपी हलकान दिखी। और एक वीडियो छोटी सी आई, खुद गृह मंत्री अमित शाह याचना कर रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष महोदय आप हमें प्रोटेक्ट करिए, सदन को नियमों से चलाइए, आप हमें प्रोटेक्ट करिए। ये लोकतंत्र और संविधान की ताकत होती है। नरेंद्र मोदी ने क्या कभी ये बात सोची होगी, गुजरात के मुख्यमंत्री रहे तो पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई, 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे तो पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई, अपने आगे कभी किसी को कुछ न समझने वाले, न्यूनतम नैतिकता को भी ताक पर रख देने वाले नरेंद्र मोदी ने क्या कभी ये सोचा होगा कि प्रधानमंत्री रहते सदन में बैठे बैठे उनके सामने कोई उनकी कही हुई बात पर इतना बड़ा तंज करेगा, जिस बात को खुद प्रधानमंत्री अपने मीडिया के दोस्तों के बीच में बोलते रहे कि मैं तो बायोलॉजिकल नहीं हूं, कभी कभी तो मुझे लगता है, और ये बात को सदन में खड़े होकर राहुल गांधी ने बोल दिया कि नोटबंदी जब की होगी प्रधानमंत्री ने तो ऐसा लगता होगा परमात्मा ने सीधे नरेंद्र मोदी की आत्मा को एक संकेत किया कि बच्चा आज रात को 8 बजे नोटबंदी कर दो, बच्चा अडानी पर ये कर दो, अंबानी पर ये कर दो। ये चीज नरेंद्र मोदी जी ने कभी नहीं झेली अपनी आंख के सामने, पीछे तो बहुत कुछ झेलते हैं उन्हें भी पता है, लेकिन उनका अपना जो शैली, अपना जो पूरा तरीका बन चुका है राजनीति करने का, उसमें ये चीज तो उन्होंने कभी नहीं झेली। और राहुल गांधी ने हंसाते हुए लोगों को, क्योंकि देखिए सीधे अगर आप किसी की आलोचना करें ना तो वो शायद उतना नहीं चुभता है, और जब आप हास्य से व्यंग कर दें तो उसका असर इतना होता है कि आप भीतर से तलमिला उठते हो, लेकिन चेहरे पर शकन नहीं आने देनी होती है ताकि किसी को पता ना चले कि तीर निशाने पर लग गया है। और राहुल गांधी एक मजे हुए जमीन, देखिए सड़क आदर्श कैसे नेता बनाता है, सड़क का संघर्ष कैसे नेता को मांझता है, आप चाहे अखिलेश यादव को देखें चाहे राहुल गांधी को, और 5 साल पहले के अखिलेश यादव और 5 साल पहले के राहुल गांधी से इसका मिलान कर ले। ये होता है सड़क पर संघर्ष, विचारधारा की ताकत। आज की तारीख में राहुल गांधी भी सामाजिक न्याय और बाबा साहब अम्बेडकर की बात कर रहे हैं जाति और जनगणना की, और अखिलेश यादव तो कमाल ही कर रहे हैं अपने पीडीए के जरिए। तो ये पहली बार है जो सदन के भीतर आत्मविश्वास लेके पहुंचा है, और अखिलेश यादव ने तो पहले ही भाषण में अपने इशारा कर दिया है, जो उस राष्ट्र लोकसभा अध्यक्ष को धन्यवाद दे रहे थे उसमें उन्होंने इशारा कर दिया, और अभी आने वाला है अखिलेश यादव का भाषण। नरेंद्र मोदी जी की दिल पर क्या बीतेगी, तो अग्निवीर पर कोई जवाब नहीं दे पाए, और राहुल गांधी को पता था कि पूरा देश उन्हें सुन रहा है, इसलिए वो नौजवानों को संबोधित कर रहे थे अग्निवीर और पेपर लीक के जरिए, वो किसानों को संबोधित कर रहे थे कर्जा माफ और MSP के जरिए, वो महंगाई पर बात कर रहे थे और वो मणिपुर पर बात कर रहे थे। राहुल गांधी को पता था कि उनका यह भाषण पूरा देश सुन रहा है, इसलिए वो बीच बीच में इस तरह की चीजें ऐसे संबोधित कर रहे थे। और भारतीय संस्कृति में माइनॉरिटी, सिख, मुस्लिम, उन पर जो दमन और अत्याचार है, वंचित शोषित तबके पर जो अत्याचार है, उसका खाका खींच करके रख रहे थे। दमदार विपक्ष क्या होता है, आज उसकी एक बानगी राहुल गांधी ने पेश कर दी। धर्म के नाम पर ठेकेदारी, धर्म के नाम पर हिंसा, महंगाई, बेरोजगारी, ऐसे तमाम मसलों पर एक विपक्ष का नेता दमदार तरीके से अपनी बात रख रहा है। और सबसे दिलचस्प वाक्या आज के सदन का, जो अब आपको मैं समझाना और बताना चाहता हूं, जब बीजेपी धर्म का इस्तेमाल करके जैसे पूरे देश को हिंसा की आग में झोंकना चाह रही थी, सांप्रदायिक राजनीति करना चाह रही थी, ऐसे वक्त में बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति के सामने अयोध्या का जिक्र करते हुए जब राहुल गांधी ने बोलना शुरू ही किया था कि अयोध्या में आप हारे, और ठीक बगल में बैठे थे अवधेश प्रसाद, उन्होंने राहुल गांधी ने कहा नमस्ते, और खड़े होकर अवधेश प्रसाद ने हाथ मिलाया, पूरा सदन
प्रभाव से गूंज पड़ा। अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनके पीडीए ने, समाजवादी तेवर ने जो कमाल दिखाया इस बार उत्तर प्रदेश में, और बिना उत्तर प्रदेश की ये 43 सीटें हराए, सदन के भीतर आज वो माहौल नहीं दिखता कि कई कई कैबिनेट मंत्री और सत्ता पक्ष बदहाल दिखा एक नेता प्रतिपक्ष के सामने। ये कारनामा अगर पूरे पूरे देश में किसी ने किया तो उत्तर प्रदेश ने किया, 43 सीटें हरा दी बीजेपी को। और जब अयोध्या के सांसद, जिन्होंने बड़ बोले नेता केवल लल्लू सिंह को नहीं हराया कि जो कह रहा था कि 400 पार इसलिए चाहिए था कि संविधान बदलना है, सरकार तो 272 बन जाती, बीजेपी के गुरूर, अहंकार और धर्म की राजनीति को हरा दिया अयोध्या में पीडीए ने, अवधेश प्रसाद ने। और तब राहुल गांधी ने अवधेश प्रसाद को साथ लेकर के जो धोया, ये राजनीति की लड़ाई है ना, सवाल तर्क के साथ जमीन का घोटाला हुआ। अयोध्या के लोग अयोध्या के राजनीतिक इवेंट में शामिल नहीं थे, भगवान राम भी बीजेपी से नाराज थे। तो कल्पना करिए कि ये बीजेपी के सामने एक ऐसा विपक्ष का तेवर था जो अरसे बाद दिख रहा था, जिसका असर सत्ता पक्ष के चेहरे पर दिख रहा था, जिस विपक्ष का असर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने दिख गया। बेबस लाचार अमित शाह कह रहे हैं हमारा प्रोटेक्शन दीजिए, क्यों साहब? मणिपुर। अब कल्पना करिए, उत्तर प्रदेश का जब चुनाव चल रहा था तो अखिलेश यादव, और अभी तो अखिलेश यादव का बोलना बचा हुआ, जब तक मैं ये वीडियो आपसे साझा कर रहा हूं तब तक अभी अखिलेश यादव नहीं बोले हैं, तब तक तो अभी महुआ मोहित्रा बोली है, तब तक तो अभी दक्षिण भारत के एक दो सांसद बोले, तब तक तो अभी बहस चल रही है, और ये बहस राष्ट्रपति की अभिभाषण पर होने वाली। अभी विपक्ष का दूसरा दमदार नेता बोलना बाकी है और वो है अखिलेश यादव। ये राजनीति बदली है, इस देश के लोगों को पिछले 10 साल में ऐसी राजनीति का अभ्यास नहीं रह गया था। विपक्ष की तरफ से तीक्ष्ण तथ्य, तर्क और तेवर के साथ वाला ये भाषण, बेबाक भाषण, सदन में खड़े होकर आरएसएस, बीजेपी, जब हिंदू वाली बात आई कि सब हिंसक हैं, तो फिर से देखिएगा, बीजेपी जब प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरे हिंदू समाज का अपमान हो रहा है, तो राहुल गांधी ने खड़े होकर कहा नरेंद्र मोदी भी हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी ये देश और धर्म नहीं है। यही तो इस देश में कहना चाह रहे। अग्निवीर पर जब खुद राहुल गांधी ने कहा कि ये अग्निवीर का अपमान देशभक्ति का अपमान है, तो ये एक नैरेटिव था जिसमें आज विपक्ष सबसे ज्यादा तेवर में दिखा और सत्ता पक्ष बदहाल, बेबस, लाचार दिखा। क्योंकि असल में पक चुकी है इस देश की जनता भी बीजेपी की झूठ से, पक्षी अहंकार से, अमित शाह के उस अहंकार भरी बॉडी लैंग्वेज से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मद अहंकार में चूर जब वो खड़े होकर के 2 बार बोले, ऐसा लगा कि गुरु टूट गया और सामने अवधेश प्रसाद ऐसे हाथ जोड़ देते हैं, जब होता है तब खड़े हो जाते हैं अवधेश प्रसाद ऐसे हाथ जोड़ देते हैं, पर्याप्त है इतना बीजेपी के अहंकार को टूटता हुआ दिखाने के लिए। और अगर यही परिदृश्य रहा तो बीजेपी को इसका अभ्यास नहीं है कि वो इतने मजबूत विपक्ष को झेल सके, और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने मजबूत विपक्ष को कैसे झेलेंगे, कैसे इसका जवाब देंगे। और तथ्य के साथ, तर्क के साथ, जनता के मुद्दों पर विपक्ष ने बात रखी है तो जनता किसके साथ खड़ी होगी? विपक्ष के साथ, क्योंकि उसके मुद्दे तो विपक्ष के भाषण में है। और यहां से शुरुआत होती है खेल के, जिस शतरंज के बिसात पर बुरी तरह घिर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी की पूरी बीजेपी और एनडीए सरकार। आने वाले दिनों में लड़ाई तेज होगी और अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आपका क्या मानना नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।